हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित और अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है बैंक एग्जाम्स में, तो उनमें से कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द लेसन इट्स रिक्वेस्ट प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग यू दिस कोर्सेस एब्सोल्युटली फ्री राइट। सो प्लीज इतना तो बनता है। सो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज मॉडलिटीज। ये आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है मॉडलिटीज, मॉडलिटीज को आज से आप अपने वर्ड सेंटेंसेस में यूज करेंगे। मॉडलिटी का मतलब होता है मेथड, यानी कि एक तरीका, और ये एक नाउन है, ठीक है। अ स्पेसिफिक मोड इन विच समथिंग इज एक्सप्रेस्ड और इज एक्सपीरियंस्ड समथिंग एग्जिस्ट, यानी कि जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी है, उसका मेथड क्या है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो सारा तरीका यहां पर बोला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मेथड, यानी कि तरीका। ओके, सो दिस इज मेथड। सिनोनिम्स हैं इसके मेथड्स हुआ, प्रोसीजर्स हुआ, प्रोसेसेस हुआ, आपका अप्रोचेस हुआ। सो दीज आर द सिनोनिम और आप सब इनको जानते हो। एक और होता है वर्ड प्रोसीजरल, जिसका मैं लिख देता हूं यहां पर पी आर ओ CEDURAL, this is called procedural. Procedural means होता है कोई भी कार्य करने की विधि, तो हम कह सकते हैं कार्य करने का तरीका, तो ये भी इसका synonym है। So आज से हम use करेंगे कि methods नहीं use करेंगे, हम use करेंगे modalities। Okay, तो इसके antonyms हैं आपके chaos। Chaos का मतलब क्या होता है? Chaos का मतलब होता है अव्यवस्था, उसका एनार्की। एनार्की मीन्स अराजकता होता है। एनार्की मतलब अराजकता, जहां असमानता होती है, कोई भी अपने मन का चलाए। सो दिस इज एनार्की। एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का भी मतलब यही होता है कि कहीं गड़बड़ी होना, कहीं पे कोई चीज होना, पूरे कंप्लीट मेथड से कोई काम नहीं होना। अगर इसको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो पहला सेंटेंस बना है द डॉक्टर यूज्ड एन इंटरेस्टिंग मॉडलिटी। डॉक्टर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडलिटी का यूज किया टू डायग्नोज हर पेशेंट, अपने पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, अपने पेशेंट को तैयार सही करने के लिए, ठीक है, उसका मतलब केयर करने के लिए। दूसरा सेंटेंस है द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग इज चेंजिंग टू बिकम मोर मॉडर्न, यानी कि जो टीचिंग का मॉडलिटी है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं और मॉडर्न हो रहे हैं। तीसरा है द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स आप सब जानते ही हो। ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है? जनरली जो किसी भी चीज को काम करते हैं, नौकरशाह जिसको बोला जाता है, आर द पर्सन्स। ब्यूरोक्रेट्स वो पर्सन्स होते हैं हु वर्क आउट द मॉडलिटीज, जो मॉडलिटीज का खाका तैयार करते हैं। वर्क आउट का मतलब होता है एक सांचा तैयार करना, एक ढांचा तैयार करना कि हाँ भाई इस तरीके से ये काम होगा। आफ्टर एन एग्रीमेंट इज साइंड बाय कंट्रीज ऑन एन इंटरनेशनल फॉर्म, तो यहां पर मॉडलिटीज का मतलब होता है मेथड्स, ठीक है। तो दूसरा वर्ड है आपका जो आपके सामने यहां पर लिख रखा है, तो दिस इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का यूज कहां कहां करते हैं हम आप सब जानते हो। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानकार, ठीक है। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार। यहां पर इसका वर्ड दे रखा है हैविंग नॉलेज, किसी भी चीज का नॉलेज होना, अवेयरनेस होना। इसके सिनोनिम्स होते हैं अवेयर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जानकार है, किसी भी चीज से जागरूक है, ये हमारा इसका होता है। दूसरा है आपका कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक या फिर सतर्क, दिस इज कॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्राइज्ड। अप्राइज्ड, अप्राइज्ड इसका सिनोनिम है, इसका भी मतलब, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है अवगत, सॉरी अवगत, ओके। और इसके एंटोनिम्स जो है वो है हमारा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होगा बिल्कुल भी जानकार नहीं होना किसी भी चीज से, इंडिफरेंट, उदासीन रहना, अलग थलग रहना, सेंसलेस, जिसको कोई सेंस नहीं हो, किसी जानकारी ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को आज से आप अवेयर नहीं बोलेंगे। कॉन्शियस बहुत कॉमन वर्ड है, अप्राइज इसको बोल सकते हैं। इनफॉर्म्ड, ऑब्जर्वेंट, ये दोनों ही बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आप इसको कॉग्निजेंट बोलेंगे आज से, यानी कि ये जानकार है। तो ही इज वेरी कॉग्निजेंट, वो बहुत ही जानकार है। सेंटेंसेस में अगर हम यूज करें, He was sleeping at the point, यानी कि वो उस पॉइंट पर थोड़ा सा अलग हट रहा था, उससे दूर जा रहा था, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं था,
एंड आई डोंट थिंक और मैं नहीं समझता ही वॉज टू कॉग्निजेंट ऑफ एनीथिंग और एनीबॉडी कि वो किसी भी चीज के बारे में बहुत कुछ जानता है या किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता है. तो कॉग्निजेंट का मतलब हो गया जानकार, ठीक है, जानकारी होना. नेक्स्ट, शी इज कॉग्निजेंट ऑफ हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से जानती है. एज द सेल्स हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स हेड के होने के नाते. तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार. तीसरा वर्ड है आपका कंटूअर्स. कंटूअर भी इसको बोलते हैं और कंटूअर्स भी बोल सकते हैं, और ये नाउन की तरह काम करता है. कंटूअर का मतलब होता है वैसे आकार, इसको हम निर्धारित रेखा भी बोल सकते हैं या निर्धारित आकार भी बोल सकते हैं. कंटूअर द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ समथिंग, अ वे इन समथिंग वेरीज, जहां पर कोई भी चीज वेरीज करे, भिन्न, घटे, बढ़े, एटसेट्रा, तो उसको हम कंटूअर बोलते हैं. एक लिमिटेशंस बना दी जाए, एक रेखा बना दी जाए, एक शेप बना दिया जाए, इसके अंतर्गत आपको ये काम करना है. कंटूर के सिनोनिम्स होते हैं आउटलाइन, ये बहुत कॉमन है, शेप बहुत कॉमन है, फॉर्म बहुत कॉमन है, और ब्लूप्रिंट भी बहुत कॉमन है. किसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लो. तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जनरली आप सब जानते हो, योजना तैयार कर लेना. तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए जो बहुत यूज हो रहा है. तो कंटूर एक वर्ड है जो अक्सर करके न्यूज़पेपर में यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कोई खाका तैयार कर लेना, कोई योजना तैयार कर लेना, कोई शेप बना लेना, आउटलाइन बना लेना. इसका एंटोनिम्स होते हैं सिमिलैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. सिमिलैरिटी का मतलब आप सब जानते हो कि मिलता जुलता होता है, ठीक है. तो ये हमारे इसके एंटोनिम्स होते हैं. और सिमिलैरिटी का ही मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समरूप होना, एक जैसा होना. ओके, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं. ही लव द स्लीक कॉन्टूअर्स ऑफ द कार, यानी कि जो कार का सांचा था, जो शेप था, और स्लीक का मतलब होता है बहुत ही चिकना, स्लीकली, चिकने तरीके से. तो उसको बहुत पसंद आया कार का जो कॉन्टूअर्स था, उसका जो शेप था. द मैप शोड द कॉन्टूअर ऑफ द कोस्ट लाइन, यानी कि मैप जो है, मैप ने दिखाया कि उस कोस्ट लाइन का कंटूर क्या था, उसकी सीमा रेखा क्या थी. एंड शी ट्रेस द कंटूर्स ऑफ हर फेस विद हर फिंगर्स, और उसने अपने फिंगर्स से अपने चेहरे को, उसका ढांचे को, उसके सांचे को ट्रेस किया. तो यहाँ पर हम कंटूर्स को यूज करते हैं, सांचा, ढांचा, या फिर रेखा, या फिर उसका शेप. तो उस सेंस में हम यूज करते हैं कंटूर्स. आई थिंक आपको याद हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर. इसको बोलते हैं हम प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट का मतलब होता है अ डिफिकल्ट, यहां पर लिख रखा है अ डिफिकल्ट, अनप्लेजिंग और एम्बेरेसिंग सिचुएशन, ठीक है. एम्बेरेसिंग यानी कि लज्जाजनक, अनप्लेजिंग, अनप्लेजिंग का मतलब होता है चिड़ पैदा करने वाला, और एम्बेरेसिंग लज्जाजनक होता है बहुत ही. तो इसका हम कह सकते हैं दुर्दशा होना, दुर्दशा भी बोल सकते हैं, या बहुत हालत खराब होना. तो दिस इज प्रेडिकमेंट, ठीक है. तो प्रेडिकमेंट का सिनोनिम्स होते हैं आपके सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस आप सब जानते हो, परेशानियां, हालात जो भी होते हैं, क्राइसिस परेशानियां होती हैं, डेडलॉक परेशानी, आपका ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे प्रेडिकमेंट में यूज किए जाते हैं. इसका मतलब यहाँ पर दुविधा होता है. एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एडवांटेज, फायदा उठाना, बेनिफिट यानी कि फायदे, एग्रीमेंट सहमति होता है, और ब्लेसिंग्स भी एक सहमति होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक फायदा होता है. तो कुल मिलाकर के आशीर्वाद होता है. तो कुल मिलाकर के प्रेडिकमेंट का मतलब होता है बहुत ही खराब सिचुएशन होना. अगर इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ये इस तरीके से होंगे. पहला सेंटेंस अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये है द प्रेसिडेंट फाउंड हिमसेल्फ इन द बैकवॉश, यानी कि प्रेसिडेंट ने अपने आप को एक बहुत ही बुरे परिणाम में पाया, बैकवॉश ऑफ अर्लियर डील्स, अपनी अर्लियर डील्स में. एंड द डिमांड्स ऑफ सीक्रेसी मेड हिज प्रेडिकमेंट द मोर वैक्सिंग, और उसका जो जो उसके हालात थी वो मोर वैक्सिंग बहुत ही इरिटेटिंग करने वाली थी. वैक्सिंग का मतलब होता है खिजाओ, चिड़ पैदा करने वाला. ठीक है. द नेक्स्ट इज द सेंचुरी ओल्ड क्लब फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट इज नॉट अ सडन, यानी कि द सेंचुरी ओल्ड क्लब का जो फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट था, जो फाइनेंशियल हालत थी, प्रेडिकमेंट यानी कि खराब हालत, जो फाइनेंशियल खराब हालत थी या हालत है, इज नॉट अ सडन वन, ये एक साथ ही नहीं आई है. एज द साइंस ऑफ द सेम वर एविडेंट एवन अ डिकेड एगो, इसके जो साइंस थे, इसका जो दिखाई दे रहा था कि हाँ ये एक दशक पहले दिखाई दे रहा था कि ऐसा होगा.
तो यहां पर प्रेडिकमेंट का मतलब है खराब हालत जो है। तीसरे सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेडिकमेंट आई वॉज इन। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझ सकते हो द प्रेडिकमेंट, उस खराब हालत को, उस खराब सिचुएशन को, आई वॉज इन, जिसमें मैं था। तो यहां पर प्रेडिकमेंट का मतलब हो गया खराब हालत। किसी भी चीज के खराब हालात को हम प्रेडिकमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनरेबल। ये अनरेबल का मतलब क्या होता है? अनरेबल का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटेड और सॉल्व और एक्सप्लेन। यहां पर आपके सामने दे रखा है अनरेबल। अनरेबल एक वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सुलझाना, किसी भी गुत्थी को सुलझाना, पजल को सुलझाना, किसी भी परेशानी को सुलझाना, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, साफ करना। और अगर दूसरे सेंस में देखें तो इसका एक और मतलब होता है उधेड़ना। उधेड़ना इन द सेंस कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी स्वेटर, कोई भी कपड़े को अगर आप अलग कर रहे हैं दोबारा से उसको रीयूज करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अनरेवल। और जो इसको उधेड़ने वाला जो होता है, जो किसी गुत्थी को सुलझाने वाला होता है, उसको हम अनरेवलर बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं UNRAVEL LER, अनरेवलर यानी कि सुलझाने वाला, किसी भी सिचुएशन को सुलझाने वाला। तो इन्वेस्टिगेटेड, सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, यानी कि किसी भी चीज को जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही और डिफिकल्ट है, बहुत ही पेचीदा है, उसको सिचुएशन को सुलझाए। अनडू, ट्विस्टेड और नॉटेड और वुवन थ्रेड्स, यानी कि जो व्यक्ति ट्विस्टेड, बहुत ही मुड़ा हुआ, बहुत ही उलझा हुआ, या बहुत ही जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हों, तो ट्विस्टेड और नॉटेड का मतलब उलझा हुआ होता है। वैसे नॉटेड का मतलब गांठ बंधा हुआ होता है, और बुने हुई चीज को या कपड़े को या अलग करे, किसी भी चीज को अलग करे, तो उसको हम बोलते हैं अनरेवल्ड, यानी कि सुलझाना। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और किसी भी कड़ी को, किसी भी रास्ते को, थ्रेड्स का मतलब एक तरीके से एक रास्ता, एक वे, एक कड़ी, एक्सेट्रा, उस सेंस में हम यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं आपका डिसाइफर। डिसाइफर, डिसाइफर यहां पर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अर्थ निकालना। ये भी एक वर्ब है। तो आई वॉन्ट टू डिसाइफर, मैं इस चीज का मतलब निकालना चाहता हूं, मैं इसकी जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। ये अनडू का सेकंड फॉर्म है, अनडेड। रिजॉल्व यानी कि एक तरीके से आप समझते हो सुलझाया हुआ, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अगर इसको पास्ट पार्टिसिपल में ले लेंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सॉल्व भी वर्ब की तरह काम करेगा अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, और एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा अगर पार्टिसिपल में आ जाएगा, जैसे सॉल्व क्वेश्चन या रिजॉल्व प्रॉब्लम, उस सेंस में। एंटोनिम सेंस के एंटेंगल। एंटेंगल आप सब जानते हो, एंटेंगल का मतलब होता है उलझा हुआ। ये वर्ड बहुत यूज होता है, उलझाया हुआ। क्वेश्चन, जिस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, जिस पर प्रश्न चिन्ह हो। वंडर्ड यानी कि वही उलझा हुआ हो गया, और ज्वाइंट जिसमें संलिप्त हो कोई व्यक्ति। तो यहां पर एंटेंगल एक अच्छा वर्ड है, डिसाइफर, डिसाइफर एक अच्छा वर्ड है, रिजॉल्व तो आप सब जानते हो, ट्विस्टेड एंड नॉटेड आप जानते ही हो। ठीक है, तो अनरेवल्ड यानी कि किसी भी चीज को उधेड़ने वाला, सुलझाने वाला, किसी भी चीज के तार तार अलग कर देने वाला, और अनरेवलर उलझाने वाले व्यक्ति, और अनरेवल्ड, सॉरी, अनरेवल मीन्स सुलझाना। द नेक्स्ट सेंटेंसेस में अगर हम इसको यूज करें तो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर गुड क्वालिटी स्वेटर्स दैट कैन बी अनरेवल्ड सो दैट यार्न कैन बी रीयूज्ड फॉर अनदर प्रोजेक्ट। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर गुड क्वालिटी स्वेटर्स, आप अच्छे स्वेटर्स को देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी को देख सकते हो। दैट कैन बी अनरेवल्ड, जो अनरेवल्ड हो सके, सो दैट, ताकि इसलिए द यार्न कैन बी, यानी कि जो धागा है, कैन बी रीयूज्ड फॉर अनदर प्रोजेक्ट, और वो धागा अनदर प्रोजेक्ट के लिए यूज हो जाए। The police are attempting to unravel the cause of his death. Police जो है वो कोशिश कर रही है to unravel the cause, उस cause को सुलझाने के लिए, गुत्थी सुलझाने के लिए, problem सुलझाने के लिए उसकी मृत्यु की। तो ठीक है, yarn के sense में अगर हम use करें, धागे के sense में अगर हम use करते हैं यहाँ पर, तो ये noun है, article था लगा हुआ है, तो ये noun की तरह use हो रहा है, आप सब जानते हो इसको। और अगर यार्न को हम एक चीज और बता दूं, YARN, यार्न को अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई कहानी सुनाना। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से देख लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लेक्चर है, आप इसको बैक करके देख सकते हैं। जो भी वर्ड्स आपके काम के उनको नोट कर लीजिए, सेंटेंसेस में यूज करिए। अगला वर्ड है आपका अर्जुअस।
दैट इज अर्जुअस। अर्जुअस इज एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है अर्जुअस, जिसका मतलब होता है कठिन। तो आज से आप कॉम्प्लिकेटेड ना बोलें, आज से आप डिफिकल्ट ना बोलें, आज से आप जो है बहुत ही ग्रोलिंग ना बोलें, रिगोरस ना बोलें, इसको आप बोलें अर्जुअस। ठीक है, तो यहां पर अर्जुअस का मतलब होता है बहुत ही कठिन। ठीक है, रिक्वायरिंग ग्रेट एक्जर्शन। ओके, एक्जर्शन का मतलब होता है श्रम, जिसमें बहुत ज्यादा एक्जर्शन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एक्जर्शन अर्जुअस। मच एनर्जी एंड विगर। विगर का मतलब आप सब जानते ही हो, ताकत, जहां पर बहुत ज्यादा ताकत लगाई जाए, मच एनर्जी लगाई जाए, ऊर्जा लगाई जाए। हार्ड, लेबरस, डिफिकल्ट, ये जो है हमारे अर्जुअस के सिनोनिम्स हैं। एक और सिनोनिम्स यहां पर मैंने दे रखे हैं, ये आपका है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थकाव, जो थका दे आपको। द नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रोलिंग। ग्रोलिंग भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका भी मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ। अगला वर्ड है आपका रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही सख्त और टाइलसम, यानी कि मेहनत से भरा हुआ। तो यहां पर ये सभी वर्ड हैं, तो यहां पर जो यूज में आपके आ सकते हैं और जो पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रोलिंग, रिगरस। रिगरस का मतलब कठिन, सख्त होता है। आपका विगर, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत हो। एक्सर्सन का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं आपके अर्जुअस के। अर्जुअस को आज से आप यूज करेंगे। इसके जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, तो पहला वर्ड आपका बनता है ट्रिवल। ट्रिवल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली। अब मामूली बातें तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी, तो अपने आप ही इसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइल्ड। माइल्ड का भी मतलब यही होता है, बहुत ही सादा या पोलाइट, विनम्र। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका फेसाइल। फेसाइल इसका मतलब होता है बहुत ही आसान, ये तो आप जानते हो, एफर्टलेस। एफर्टलेस जिसमें मेहनत ना लगानी पड़े। और प्लेजेंट, प्लेजेंट का भी मतलब होता है बहुत ही आरामदायक, सुहावना, एटसेट्रा। तो इसमें अर्जुअस के जो वर्ड्स हैं, एक तो आपको ये तो यूज करना ही करना है सेंटेंस में, आपके एक्जर्शन यूज करना है, आपको विगर यूज करना है, ग्रोलिंग यूज करना है, बहुत ही सख्त, रिगरस यूज करना है, थकाऊ या सख्त मेहनत, आपका ट्रेवल यानी कि तुच्छ ये आपको यूज करना है, फिसाइल आपको जरूर यूज करना है। तो ये वर्ड्स हैं आपके। और नेक्स्ट इसको सेंटेंसेस में अगर हम यूज करें, तो समथिंग दैट इज अर्जुअस इज वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग। अगर कोई भी चीज बहुत ही अर्जुअस है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो अर्जुअस का मतलब हो गया डिफिकल्ट। नेक्स्ट, उर्दू इज वेरी अर्जुअस। तो देखिए यहाँ पर साउंड भी आ रहा है उर्दू जैसा, अर्जुअस, तो उर्दू जो है वो बहुत ही अर्जुअस है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो अर्जुअस का मतलब हो गया कठिन। इट वॉज एन अर्जुअस अंडरटेकिंग फॉर द एप्लीकेंट्स। ये एप्लीकेंट्स के लिए बहुत ही अर्जुअस अंडरटेकिंग था, बहुत ही अर्जुअस काम था। टेकिंग अप टू 40 किलोमीटर टू कंप्लीट। तो यहाँ पर अर्जुअस का भी मतलब क्या हो गया, कठिन, अंडरटेकिंग, अर्जुअस वर्क, अर्जुअस अंडरटेकिंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका वर्ड है अटेनुएट। अटेनुएट, अटेनुएट, अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब होता है कम करना। तो आज से आप रिड्यूस नहीं बोलेंगे, आज से आप के वीकेंड नहीं बोलेंगे। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना। आज से आप बोलेंगे अटेनुएट। ये एक वर्ब है, आई वॉन्ट टू अटेनुएट समथिंग, यस आई विल अटेनुएट दिस थिंग इन माई सेल्फ। तो वहां पर इन मी, तो वहां पर हम जनरली इस तरीके से इसको यूज करते हैं। वीकेंड, कमजोर करना, रिड्यूस, कम करना, आप सब जानते हो। ठीक है, इंटेंसिटी, तो क्या इंटेंसिटी, किसी भी इंटेंसिटी को कम करना, यहां कॉमा नहीं आएगा। टू मेक थिन, किसी भी चीज को पतला करना, किसी भी चीज को कमजोर करना। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब आप सब जानती हो, प्रबलता, मोटा, ताजा, अच्छा, मजबूत। तो इंटेंसिटी को कम करना, किसी भी इंटेंसिटी को वीक करना, तो ये अटेन्यूएट होता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं, पहला है आपका कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दबा देना, कम कर देना। कंस्ट्रिक्ट का मतलब कम करना। ठीक है, आपका कंस्ट्रिक्ट हो गया कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट, डिबिलिटेट का भी मतलब होता है कम करना या कमजोर करना। ठीक है, डिबिलिटेट। अगला वर्ड है आपका डिफ्लेट। डिफ्लेट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी की हवा निकाल देना, किसी भी चीज की हल्का कर देना।
ठीक है, फीबल का मतलब तो आप सब जानते हो कमजोर, और अगर कहीं पहले ई एन लग जाता है जैसे फोर्स में एन फोर्स हो गया तो उसका मतलब होता है कर देना, तो एन फीबल यानी कि कमजोर करना। और मिटिगेट, मिटिगेट आप सब जानते हो, मिटिगेट का जनरली यूज दूसरे सेंस में किया जाता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी सीरियसनेस को कम करना चाहे, अपने किसी भी काम को कम करना चाहे, अपनी कोई क्वालिटी को कम करना चाहे या कोई भी बैड क्वालिटी को कम करना चाहे, तो वहां पर हम मिटिगेट बोलते हैं। तो मिटिगेट का भी मतलब होता है कम करना, ठीक है, किसी भी गंभीरता को। इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो पहला वर्ड आपका एट, इसका मतलब होता है भरना या जोड़ देना या फिर प्रबल करना, ज्यादा करना। एम्पलीफाई का भी मतलब यही होता है अधिक करना। एनलार्ज का भी मतलब होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई का भी मतलब यही होता है बढ़ाना। स्ट्रेंथेन यानी कि शक्ति बढ़ाना। एक्सपेंड का भी मतलब बढ़ाना होता है, एक्सटेंड का भी मतलब बढ़ाना होता है। अब इसमें जो वर्ड है वो सबसे पहले तो आप अटेन्यूएट यूज करोगे, कई बार पूछा गया है सच में, और उसके लिए आप कंस्ट्रिक्ट को अच्छे से देख लेना। अटेन्यूएट कम करना, कंस्ट्रिक्ट कम करना, अटेन्यूएट कम करना, कंस्ट्रिक्ट कम करना। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का भी मतलब कम करना होता है, डेबिलिटेट का भी मतलब कम करना होता है। इसमें से दो तीन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज करें। डिफ्लेट का मतलब यार इसमें से हवा निकाल दो, इसको थोड़ा सा हल्का कर दो, थोड़ा सामान कर दो, प्लीज डिफ्लेट समथिंग। एंड इनफीबल कमजोर करना, मिटिगेट अपनी चीज के, अपनी कोई भी चीज को कम करना। ओके, क्रिपल, क्रिपल का भी मतलब यही होता है, लेकिन हम क्रिपल को दूसरे सेंस में लिखते हैं कि किसी की टांग तोड़ देना, किसी का अंग भंग कर देना, तो उसको कम कर दिया, अंग भंग कर देना, इसको भी आप लिख सकते हो। एक वर्ड आता है क्रिपल, CRIPPLED, क्रिपल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपाहिज हो, जिसका अंग भंग हो, तो उसको क्रिपल्ड बोलते हैं। इसके सेंटेंसेस में अगर हम यूज करें टू अटेन्यूएट समथिंग मींस टू रिड्यूस इट और वीकन इट, यानी कि किसी भी चीज को अटेन्यूएट करना यानी कि उसको रिड्यूस करना और उसको वीकन करना। यू कुड नेवर एलिमिनेट रिस्क, आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप रिस्क को नहीं हटा सकते हैं, बट प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग कुड अटेन्यूएट इट, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आप इस रिस्क को, इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, रिस्क के लिए, रिस्क को कम कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊं, क्योंकि अभी मेरे पास समय है और ये लॉकडाउन हो जाएगा उसके बाद भी मेरे पास समय ही समय रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपना स्केड्यूल चेंज कर दिया है। तो प्लीज अगर मैं बात करूं कि मैं रेगुलर आपको लाइव आकर के पढ़ाऊं और आपको कंप्लीट ग्रामर भी पढ़ाऊं, प्रैक्टिस भी कराऊं, तो प्लीज कमेंट करिए। जितने भी लोग वीडियो को व्यू करते हैं तुरंत लाइक करिए और कमेंट में कुछ तो कुछ बोलिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। वैसे आज हमने करीब 50 वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स और सेंटेंसेस को यूज के हिसाब पर 50 या उससे ऊपर वर्ड्स को जिक्र की कर लिया है। एक तरीके से रिवीजन भी ले सकते हैं, तो डिसलाइक करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि बनेगी। थैंक यू।